आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में जिस तरह का सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है वो अब बेहद ही रोमांचित मोड में आ चुका है। एक तरफ राजस्थान विधानसभा में जो कल का दृश्य था जब कांग्रेस मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को असेंबली में अंदर आने से रोका जा रहा था और राजेंद्र गुड़ा बार बार लाल डायरी का जिक्र कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है बीजेपी इसमें जमकर फायदा उठा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको वो बयान बता देती हूँ जिसकी वजह से ये सियासी हड़कंप मचा हुआ है। ये जानना चाहिए सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने विधानसभा पटल पर कहा कि राजस्थान सरकार महिला सुरक्षा में विफल हो गई है, राजस्थान सरकार को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। ये बयान है पूर्व कांग्रेस मंत्री राजेंद्र गुड़ा का। सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं और अब विपक्ष का कहना है कि पूर्व मंत्री गुड़ा ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। इस मसले के बाद बीजेपी में मानो जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई हो और वसुंधरा राजे ने एक जनसभा में कांग्रेस के भूचाल पर तंज कसा है और वो भी शायराना अंदाज में। राजे ने शायराना मूड में कहा, बेफिक्र हैं हम क्योंकि आईने जैसा किरदार रखते हैं, फिक्र तो वो करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। हम आपको सुना देते हैं राजे का शायराना अंदाज। बेफिक्र हैं हम आईने जैसा किरदार रखते हैं, बेफिक्र हैं हम आईना जैसे किरदार रखते हैं, फिक्र तो वो करे जो एक नहीं चेहरे दो चार रखे। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।